फ्रेंड्स, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोगों का जो रिज़ल्ट है बिहार पॉलिटेक्निक 2024 का, वो आ चुका है। और अभी तक आप लोगों ने अगर रिज़ल्ट नहीं देखा होगा तो मैं सारे प्रोसीजर्स आपको बताने वाला हूं कि आपको रिज़ल्ट देखना कैसे है। अगर आपको नहीं पता या फिर आपको रैंक का यूज़ कैसे करना है, आपको रैंक कार्ड कहाँ से उपयोग करना है, कैसे कैसे आपको काउंसलिंग में रैंक कार्ड लगेगा, बाकी आपको काउंसलिंग कैसे करना है, बाकी सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल इस वीडियो में बताने वाला हूं। बस आपको सब्र के साथ इस वीडियो को पूरा देखना होगा। अधिकतम 5 से 6 मिनट का ही वीडियो होने वाला है। ठीक है, चालू करते हम लोग। सबसे पहले जो बच्चे रिजल्ट नहीं देखे होंगे उनके लिए मैं बता दूं कि आपको जाना है इस वेबसाइट पे। सबसे पहले आप गूगल पे जाएंगे, वहाँ पे BCECE इसी को आपको सर्च कर देना है। जो आपकी पहली वेबसाइट आएगी उसी पे आपको क्या कर देना, क्लिक कर देना। जैसे आप क्लिक करेंगे आप उस जा करके डैशबोर्ड पे फॉरवर्ड कर दिए जाएंगे जहाँ पे आपका रैंक कार्ड है। वहाँ पे उसके बाद आप आएंगे, अभी मैं थोड़ा सा आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ। जैसे आप जाएंगे वहाँ पे आपको क्या दिखेगा कि PE क्या लिखेगा, बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम, आपको पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग, ऐसे ढेर सारे आपको ग्रुप्स के वहाँ पे रैंक कार्ड दिखाई देंगे। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, ऐसा लिखा होगा BCE रैंक कार्ड। क्या लिखा होगा वहाँ पे, आपको रैंक कार्ड लिखा होगा। ठीक है, वहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम भी लिखा होगा, नहीं तो आपको BCECE, ये तो आप कंफर्म देखने के बाद आपको सबसे पहली जो वहाँ पे मिलेगी लिंक, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। और सबसे पहले आप पहुँच जाएंगे कहाँ पे कि रिजल्ट हम कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, वेबसाइट आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद जैसे आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा एक डैशबोर्ड जहाँ पे आपको क्या लिखना होगा, आपको अपना रोल नंबर फिलअप करना होगा। क्या आपको अपना रोल नंबर, आपको रोल नंबर फिलअप करना होगा, और दूसरा क्या होगा आपका डेट ऑफ बर्थ DOB। मात्र ये दो चीज़ आप भरिए और उसके बाद अपना रैंक कार्ड, अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं बिहार पॉलिटेक्निक 2024 के बच्चे। ठीक है, ये हो गया आपका सेकंड स्टेप। पहला स्टेप आपने क्या कर लिया, लिंक खोल लिया BCECE, उसके बाद दूसरे नंबर पर आपने रोल नंबर और ड्राफ्ट डाल दिया। उसके बाद तीसरे नंबर पर आपका तुरंत के तुरंत वहाँ पे क्या हो जाएगा, रैंक कार्ड आपका शो कर दिया जाएगा। ऐसे आपका ऊपर लिखा रहेगा रोल नंबर, आपका नाम, अपने पापा का नाम लिखा रहेगा, और आपका स्टेट लिखा रहेगा, और आपका जिला लिखा रहेगा, और नीचे जब आप जाएंगे तो वहां पे आपको लिखा रहेगा UR। क्या लिखा रहेगा, अनरिजर्व्ड रैंक। अनरिजर्व रैंक को कह सकते हैं हम लोग, CRL भी कह सकते हैं, कॉमन रिजर्व लिस्ट एक तरीके से कहें, जो कि जनरल रैंक होती है, CRL रैंक जिसको हम कहते हैं, अनरिजर्व रैंक कहते हैं, अनरिजर्व रैंक। और दूसरी आपकी क्या मिलेगी, कैटेगरी रैंक मिलेगी। क्या मिलेगी, कैटेगरी रैंक मिलेगी। ये कैटेगरी रैंक जो बच्चे कैटेगरी में होंगे उनकी आएगी, नहीं तो अगर आप जनरल के हैं तो आपको UR ही खाली दिखाई देगी, जिसको हम लोग अनरिजर्व रैंक कहते हैं। तो जिन बच्चों की, आप जानते हैं कि आप लोगों के कॉलेज में लगभग 15,000 से लेकर के 18,000 सीट्स हैं, जो कि बिहार के बच्चों के लिए बहुत इनफ हैं। बहुत ज़्यादा कंपटीशन बिहार में नहीं था, लेकिन थोड़ा सा एग्ज़ाम का लेवल थोड़ा सा मॉडरेट आने की वजह से बच्चों को पेपर टफ लगा था। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका नंबर ठीक ठाक आने की उम्मीद है। मेरे बच्चे जो पढ़े हुए हैं हमसे, बिल्कुल उनका बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला, मुझे भरोसा है। ठीक है, ये आपका UR और आपका ये कैटेगरी रैंक। जैसे आप लोगों ने सुना होगा एक क्या होगा, आपने EBC से सुना होगा, जैसे एक होता है OBC, वैसे एक क्या होता है EBC। जैसे हर जगह स्टेट, जैसे UP में OBC चलता है, वैसे बिहार में EBC चलता है। और आपका SC होगा, आपका ST होगा, और EWS होगा। इन सभी कैटेगरी के बच्चे अपना रैंक कार्ड ये डाउनलोड करके, क्योंकि जो ये रैंक कार्ड है आपके, ये रैंक कार्ड कहां पे लगेगा, काउंसलिंग में लगने वाला है। काउंसलिंग में जब आप भरेंगे, काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन फॉर्म रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो ये काउंसलिंग का फॉर्म आपको PDF में आपको इस रैंक कार्ड को अपलोड करना होगा। और साथ में जब आप वहाँ पे फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए जाएंगे, जब आपका कॉलेज अलॉट हो जाएगा, वहाँ पे आपको इस काउंसलिंग सर्टिफिकेट में भी इसको आपको अपलोड करना होगा, जो कि आपका एक अलॉटमेंट लेटर होगा काउंसलिंग करने के बाद जो मिलेगा, और दूसरा आपके सारे डॉक्यूमेंट्स। मैं आप लोग को इसी के साथ वीडियो में बताना चाहता हूँ कि सारे बच्चे जितने भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं आपके रजिस्ट्रेशन करने के लिए काउंसलिंग में, सभी के सभी अभी से मैं कहूँगा आप, आपका जो रिजल्ट आ गया उसके छोड़ दीजिए आप लोग, काउंसलिंग हमारा कराना काम है, हम उसके लिए वीडियो लेकर के आ जाएंगे। लेकिन आपके सारे डॉक्यूमेंट जितने भी रिक्वायर्ड है उसका मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। जितने भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है सारे डॉक्यूमेंट्स आप अभी से बनवा लीजिए कि आपके काउंसलिंग के टाइम पर, रजिस्ट्रेशन के टाइम पर क्या लगेगा, और साथ में उसी वक्त बनवा लीजिए कि रजिस्ट्रेशन होने के बाद जब आपकी फिजिकल रिपोर्टिंग होगी, जब आप कॉलेज में पहुँचेंगे, जो आपको अलॉट होगा, वहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है। क्योंकि अगर आपका रजिस्ट्रेशन के टाइम कोई भी डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो जाएगा तो आप बिल्कुल भी काउंसलिंग करने के लिए, चॉइस फिलिंग के लिए केपेबल, आप सक्षम ही नहीं रहेंगे, आप उसको कर ही नहीं पाएंगे। जब आप डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं कर पाएंगे तो आप कुछ नहीं कर सकते, आप मतलब आपका रैंक अच्छा आने के बाद भी आप कॉलेज नहीं ला सकते हैं। लेकिन इसीलिए कहूंगा डॉक्यूमेंट सारे आपके बने होने चाहिए। बस एक चीज आपको बता देना चाहता हूं कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स, आपका इनकम सर्टिफिकेट हो गया, कैटेगरी सर्टिफिकेट हो गया, आपका 10th की मार्कशीट हो गई, सारी मार्कशीट मतलब सारा जो आपका सर्टिफिकेट बनेगा, 10th EW सर्टिफिकेट या फिर OBC सर्टिफिकेट बनेगा, कैटेगरी सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट या डोमिसाइल सर्टिफिकेट, सभी के सभी आपके 1 अप्रैल 2024 के बाद का होना चाहिए। बहुत बच्चे सारी काउंसलिंग में कंफ्यूज होते हैं, चाहे वो AKTU की काउंसलिंग हो, चाहे आपकी UPTU की काउंसलिंग हो,
या आपकी यूपी पॉलिटेक्निक की काउंसलिंग हो, चाहे बिहार पॉलिटेक्निक काउंसलिंग हो, जो भी काउंसलिंग करानी हो आपको 1 अप्रैल 2024 के बाद का डॉक्यूमेंट होना चाहिए। आप अभी जाकर के अपने लेखपाल से किसी एक वकील से समझ करके इसको बनवा सकते हैं तुरंत के तुरंत, ठीक है। यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट बन जाएगा। उसके बाद आप सभी को बता दूं, आप लोग को हमारे चैनल के साथ लगातार जुड़े रहना है, और जो बच्चे अभी तक यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको मैं बता दूं कि आप लोग की काउंसलिंग कराना हमारा काम है। अगर आपको काउंसलिंग कराना है, आपको मेंटोरशिप लेनी है कि मुझे अच्छे कॉलेज कैसे मिल सकते हैं, कितने रैंक पर कौन सा कॉलेज मिल जाएगा, तो सभी बच्चों से मैं कहूँगा कि काउंसलिंग कराने में आपको लर्निंग डे पूरी मदद करने वाला है। पूरी काउंसलिंग आपको कॉलेज की पूरी लिस्ट बताई जाएगी कि आपके रैंक के हिसाब से कौन सा बेहतरीन कॉलेज है, चाहे वो पटना हो चाहे दरभंगा हो, सभी कॉलेज की लिस्ट आपको दी जाएगी, ठीक है, गर्ल्स कॉलेज के लिए, गर्ल्स कोटा के हिसाब से। और बाकी आपको काउंसलिंग में प्रायोरिटी पे कैसे कॉलेजेस को ऊपर रखना है, कैसे नीचे रखना है, सब चीज़ें आपको यहाँ पे बताई जाएंगी, ठीक है। और उसके बाद अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप जाकर के कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। 9569181080 ये आप कॉन्टैक्ट नंबर दे रहा हूँ, इस पर आपको पहले व्हाट्सअप करना होगा। अगर आपका वहाँ पर डाउट नहीं क्लियर हो पाता तो फिर आप फ़ोन कर सकते हैं, लेकिन पहले आपको व्हाट्सअप करना होगा, फिर मैं आपको बात करके आपसे आपका डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। काउंसलिंग की बात हो गई, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है वो बात हो गई, आपका रैंक कार्ड कैसे इस्तेमाल होगा, सारी चीज़ें। आपको अभी फोकस क्या करना है, जो भी रिजल्ट आपका आया है उसको बिल्कुल बना करके रखना है। उसके लिए मैं छोटा सा वीडियो लेकर के आना हूँ कि आपका जो भी रैंक है उसमें कौन सा कॉलेज मिल पाएगा, और दूसरा वीडियो आपको लेकर रहेगा कि डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड आपके लिए क्या क्या है, सारी चीज़ें आपको बिल्कुल मिलने वाला वीडियो, आपको हमारे साथ जुड़े रहना है, ठीक है दोस्तों। बाय बाय, धन्यवाद।